माननीय राहुल गांधी जी के साथ, ये पूरा मतलब देश के लिए को एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और सही मायने में आज तक तो हम लोग इस तरह से जरूर बोल रहे थे कई सारे मामलों को लेके कि यहाँ पे तानाशाही है, मगर विपक्ष ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। आप बताइए, किसी भी माननीय सदस्य को डिफेमेशन में इतना बड़ा सज़ा आज तक मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है। और 2 साल की उन्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली सज़ा दी गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, से इनके आगे जाके इनकी सदस्यता भी जा सकती है। एग्जैक्टली मेरे बाबा के साथ भी यही हुआ था, 6 लाख के मामले में उनको 2 साल की सज़ा दी गई, जिसके अनुसार उनका सदस्यता चला गया। तो ये बहुत बड़ा मामला है पूरे राज्य, हमारे राज्य के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ में पूरे देश के लिए भी, जिस चीज़ को हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि मतलब आज आज़ादी नहीं है, आज एक नेता होते नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते हम सदन में आते हैं या हम कहीं बाहर रहते हैं तो हम चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जो जनता के जो खिलाफ चीज़ें हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। और इस तरह से अगर माननीय सदस्यों की सदस्यता जा सकती है तब किसको हिम्मत होगा कि सही चीज़ के लिए लड़ाई भी लड़े। सेटबैक है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से, सेटबैक है कि नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अब पूरे देश को भी इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए हुए हमें अधिकार है, जो प्रियम्बल में मेंशन हुए किए गए चीज़ें हैं, उसको उसका हनन किया जा रहा है। अच्छा मैम, कानून में संशोधन होना चाहिए। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। माननीय राहुल गांधी जी के साथ, ये पूरा मतलब देश के लिए को एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और सही मायने में आज तक तो हम लोग इस तरह से जरूर बोल रहे थे कई सारे मामलों को लेके कि यहाँ पे तानाशाही है, मगर विपक्ष ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। आप बताइए, किसी भी माननीय सदस्य को डिफेमेशन में इतना बड़ा सज़ा आज तक मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है। और 2 साल की उन्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली सज़ा दी गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, से इनके आगे जाके इनकी सदस्यता भी जा सकती है। एग्जैक्टली मेरे बाबा के साथ भी यही हुआ था, 6 लाख के मामले में उनको 2 साल की सज़ा दी गई, जिसके अनुसार उनका सदस्यता चला गया। तो ये बहुत बड़ा मामला है पूरे राज्य, हमारे राज्य के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ में पूरे देश के लिए भी, जिस चीज़ को हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि मतलब आज आज़ादी नहीं है, आज एक नेता होते नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते हम सदन में आते हैं या हम कहीं बाहर रहते हैं तो हम चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जो जनता के जो खिलाफ चीज़ें हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। और इस तरह से अगर माननीय सदस्यों की सदस्यता जा सकती है तब किसको हिम्मत होगा कि सही चीज़ के लिए लड़ाई भी लड़े। ये तो बड़ा सेटबैक है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से, सेटबैक है कि नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अब पूरे देश को भी इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए हुए हमें अधिकार है, जो प्रियम्बल में मेंशन हुए किए गए चीज़ें हैं, उसको उसका हनन किया जा रहा है। अच्छा मैम, कानून में संशोधन होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई